काफी क्राउड है गाइस, अभी देख सकते हैं आप लोग काफी ज्यादा। तो गाइस मैं अपने होटल के रूम में आ चुका हूँ और ये कोरमंगला के पास में ही है, तो ये रहा मेरा होटल। मैं अकेले रुका हूँ तो अकेले के लिए काफी अच्छा सफिशियंट है रूम, देख सकते हैं आप लोग। तो काफी अच्छा है, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। और ये वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी ठीक ठाक है, अच्छा है सब कुछ। तो अकेले रुकने के लिए परफेक्ट रूम है ये। तो अब मैं जल्दी सा थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं फ्रेश होके नहा धो के फिर अपने काम पे निकलूंगा। और काम से जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा मैं आज। तो चलिए मैं जल्दी से अब नहा के रेडी होता हूँ। ये रहा मेरा होटल और मैं निकल चुका अभी होटल से। देखिए ये रहा होटल, अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, अब चल रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारा बड़ा और इडली, तो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, अब खा के बताऊंगा आप लोगों को कि कैसा है ये। और यहाँ पे खड़ा होके देखिए, ये खाने का जगह भी है, तो यहाँ पे मैं आराम से खाऊंगा खड़े होके। और ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मेरा डोसा भी आ चुका है और ये इडली और बड़ा है, तो ब्रेकफास्ट काफ़ी यम्मी है। तो आप लोगों को करके बताता हूँ कि कैसा है यहाँ का ब्रेकफास्ट, टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और देखिए ये केले के पत्ते के ऊपर डोसा को रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में गाइस। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ ठंडा होने के पहले। और गाइस देखिए यहाँ पर कॉफ़ी भी ले रहा हूँ, और देखिए पहले इसमें ब्लैक कॉफ़ी डालते हैं और उसके बाद से दूध डालते हैं। तो गाइस ये मेरा कॉफ़ी भी आ गया मॉर्निंग का, ब्रेकफास्ट के बाद का कॉफ़ी, काफ़ी मज़ा आता है कॉफ़ी ब्रेकफास्ट करने के बाद पीने में। तो चलिए अब जल्दी से अब कॉफ़ी भी पी लेता हूँ। काफ़ी मस्त कॉफ़ी बनाया है गाइस भैया ने, तो काफ़ी मज़ा आया कॉफ़ी पी के भी, मज़ा आ रहा है क्योंकि कॉफ़ी मेरी ख़त्म हुई नहीं है अभी, तो काफ़ी अच्छा कॉफ़ी है, स्ट्रांग भी है जो सुबह सुबह चाहिए होता है, तो मज़ा आ रहा है पीने में। और गाइस देखिए ये भी यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ये इडली जो है ना, हम लोग के साइड में ऐसा इडली नहीं मिलता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चावल का छिलका टाइप का इडली है, लेकिन ये छिलका नहीं है, ये स्टीम्ड है और पतला रोटी टाइप का शेप है, और ये बड़ा है। और ये ऐसे देते हैं चटनी, दो तरह का चटनी, और ऊपर से कुछ डाला था इन्होंने, बट वो सांभर नहीं है। मैंने पूछा भैया से तो उन्होंने बोला ये सांभर नहीं है, कुछ और बताया नाम उन्होंने। और देखिए इस तरह का देते हैं, काफ़ी लोग ऑफिस जाने वाले लोग से लेकर हर लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे खाने के लिए। देखिए और ये देखिए यहाँ पे ये चटनी है, ये देखिए बड़ा है और ये चटनी है, और ये ऊपर से डालते हैं जो, तो काफ़ी अच्छा है, ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का। तो गाइस चलिए अब इसको भी ट्राई कर लेता हूँ, कर ही लेता हूँ ट्राई, और ट्राई करके देखता हूँ कैसा है यहाँ का, क्योंकि ऐसा इडली तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, डिफरेंट है इडली, क्योंकि हमारे साइड में ऐसा इडली नहीं मिलता है गाइस। तो चलिए अब इसको टेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर किसी नए जगह पे कभी भी जाना चाहिए तो वहाँ का फूड जो होता है, स्पेशल फूड होता है, उसको ट्राई करना चाहिए। और मुझे भी मौका मिला है तो मैं अभी डिफरेंट डिफरेंट फूड यहाँ का ट्राई कर रहा हूँ और आप लोग को भी दिखा रहा हूँ अपने वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग को कैसा लगा ये जो फूड मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो इडली यहाँ का है जो हमारे लोकेशन से डिफरेंट है, तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट कर। और गाइज मैं यहाँ पर हेयर कट और बियर्ड को सेट करवाने के लिए आ गया हूँ, और भाई यहाँ पर देखिए मेरी कटिंग शुरू कर चुके हैं, तो मेरी कटिंग हो जाएगी फिर मैं होटल जाके नहा के फिर अपना काम कंप्लीट कर लूँगा जो भी है। तो कटिंग यहाँ मेरा चल रहा है, भैया मेरा कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कटिंग करवा के अब मैं चलता हूँ जल्दी सा होटल। और गाइस अभी शाम हो चुका है और मैं अभी निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए बैंगलोर में, तो चलिए मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह मैं अभी चलता हूँ। तो अभी मैं ऑटो में बैठ गया और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी। और ये देखिए बैंगलोर में जो बसें चलती है, गवर्नमेंट की बसें, वो है ये। और ये देखिए बैंगलोर का नज़ारा, कुछ अभी आठ बज रहा है अभी, तो गाइस 8:45 हो चुका है, 8:45, और कुछ ऐसा नज़ारा देखिए ट्रैफिक का बैंगलोर में, काफ़ी भीड़ है गाइस अभी भी।
और गाइस ये रहा एडवेंचर का ऑफिस, देख सकते हैं आप लोग। और ये आ गया फॉरम मॉल, देखिए गाइस, देखिए इतना बड़ा लीकर मतलब वाइन शॉप है ये, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ही वाइन शॉप है ये। ये रहा कोरबंगला का एरिया जहाँ पे काफी रेस्टोरेंट्स पब है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये भी एक यहाँ का है पेरिस पानीनी, तो काफी कुछ यहाँ पे अवेलेबल कोरबंगला में। और यहाँ रात भर चहल पहल रहता है, लोग होते हैं यहाँ पे, लेट नाइट पार्टीज वगैरह भी चलती है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस देखिए यहाँ पे डोसा चिकन, और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे प्रॉपर सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये। कोरमंगला में ही है जहाँ मैं रुका हूँ, उसी साइड में है ये भी, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी क्राउड है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये इस एरिया में इतना ज़्यादा क्राउड है ना, और अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 बजे भी इतना क्राउड है, देखिए काफी क्राउड है इस एरिया में। गाइस मैं थोड़ा यहाँ पे वॉक कर ले रहा हूँ, और फिर अभी डिनर करूँगा और फिर अपने रूम पे चला जाऊँगा गाइस। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है अभी इस टाइम में। यहाँ पे देखिए स्टार बिरयानी भी है, जो कि साउथ का काफी फेमस चेन है बिरयानी के लिए, स्टार बिरयानी। देखिए यहाँ पे अभी मोमोज खाने के लिए रुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से चिकन मोमो भैया यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जूस जंक्शन करके भी एक स्टोर है, और यहाँ पे देखिए मोमोज, डोसा, आइसक्रीम, सॉफ्टी, सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और क्राउड तो देखिए गाइस रात के 10 बजे अभी, तो कोरमंगला जो है ये बैंगलोर का मेन एरिया है गाइस, तो आप क्राउड देख ही सकते हो, रात के 10 बजे ये क्राउड है अभी देखिए। और ट्रैफिक तो देखिए क्या कंडीशन है इस समय 10 बजे ट्रैफिक का। काफी क्राउड है गाइस अभी, देख सकते हैं आप लोग, काफी ज्यादा क्राउड है अभी। तो गाइस 11 बज गए रात के, और मैं अब कैब करके यहाँ से होटल जा रहा हूँ, पास में ही होटल, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और देखिए रात के 11 बजे भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है 11 बजे रात में भी। तो बैंगलोर सिटी में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं अब जल्दी सा चलता हूँ रूम, और चल के सो जाता हूँ।